अच्छे चुनाव के लिए, उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है, इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, MCC वॉयलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस, जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर ऑल्सो। तो पहला जो इनपुट है ये एक मोजेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेइक। 96.8 crores आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 crore आर मेल एंड 47.1 crore आर फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं, 1.80 crore 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 crores, यानी 21.5 crore वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए, देर आर 88.4 lakh पर्सन विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट। वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के, उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं, वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में। सो द मोजेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000, तो मोजेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं। सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन, वी गिव 2 copies फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, दैट्स ए साइलेंटली वी वर वर्किंग, सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख
हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं. सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन. और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाई 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे. यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं. नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे. फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें. कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी. यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ. उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा. एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स. एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलें. देन हाउ वुड वी एंश्योर दैट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन द सेंस 85+ जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं. नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुँचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुँचाएंगे. अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे. हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी. उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी. नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है. दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे. सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें.
मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना ज़रूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने ज़रूर आएँ। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें, मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं। आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ़ ही हैज़ ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी BLO के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट। यू कैन नो अबाउट वॉट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें KYC के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, TV में देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्री भी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस। वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स। आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज़ को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वॉयलेशंस। असेंशली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वॉयलेशंस विच आर डन और एलिस्ट टू बी डन अंडर MCC। सो कमिंग टू द मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड 24/7। एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिंड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए,
और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन, और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज़ ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो वन सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज 5 फीट्स, जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरी वेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर सकी है, कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर सम काइंड ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स। इन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देर इज ऑल्सो ए ड्रोन बेस्ड चेकिंग विच विल हैपन। वी आर फुल्ली कमिटेड दैट हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग इम्परसोनेशन की भी शिकायत आती है, बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्परसोनेशन के केसेस आएँ तो RP एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवर लास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट दे मस्ट बी वेरी 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 कॉशियस ऑफ दिस पॉइंट, विल बी रूथलेस इफ एनी वेयर द वायलेंस हैपन्स। सिमिलरली कमिंग टू द मनी, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अवर आउटकम्स। 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज़्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज़्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं, वी आर अवेयर फुल्ली दैट देर आर डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटीज इन ईच स्टेट। सम स्टेट्स हैव मोर वायलेंस, सम स्टेट्स हैव मोर मनी, सम स्टेट्स आर मोर काइंड ऑफ ए ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। सो विच एवर प्रॉब्लम पर्टेन्स टू ए पर्टिकुलर स्टेट, बेस्ड ऑन दिस डिफरेंशियल एनालिसिस वी वुड बी हैविंग ए डिफरेंशियल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दैट स्टेट। मिसयूज ऑफ मनी, हम
नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको? उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, व्हाटएवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो हुम हैव बी डायरेक्टेड, GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। GST वुड बी डूइंग द ईबे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी इफ देर इज ए ट्रेंड ऑफ स्पर्ट इन द डिमांड फॉर द FMCG इन सर्टेन एरियाज। बैंक्स वुड लुक एट इफ देर इज ए डिमांड स्पर्ट इन डिमांड ऑफ द कैश इन द चेस्ट्स। सो नेशनल NPCIL विल लुक एट इफ देर इज ए स्पर्ट इन डिमांड फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम द वैलेट्स। डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा, एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ दी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स विच दे हैव। ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री वुड बी चेक्ड रेगुलरली बाई द डेडिकेटेड टीम्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट थ्रू द एयर स्ट्रिप्स। और जहाँ जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्ट एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहाँ जो भी सामान उसके अंदर में, उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द instructions and guidelines of the BCS, almost equal to the commercial airports, checking hogi. Railways, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads, so cash or money, jo bhi dhanbal ka durupyog karna chahenge. Political finance, in any case, is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. Jitna hum यूथ, वीमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस माध्यम को यूज करते हैं, वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस। व्हाई नॉट? इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, क्रिटिसाइज अस, बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट बी अलाउड टू क्रिएट फेक न्यूज विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग रहें। इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 एंड 79(3) ऑफ द IT एक्ट, ऑथराइज्ड अथॉरिटी ऑफ ईच स्टेट इज एम्पावर्ड टू आस्क फॉर टेक डाउन ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट्स। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑथराइज्ड officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now
react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background if somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैंने इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की है, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू किए हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट. वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस. मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties ke jitne bhi bade netagan star campaigners hain jo campaigning karenge, unke vyaktigat notice mein hamari guidelines le aaiye. Ye zimmedari humne political parties ko di hai. So now what is happening, we have put them on notice and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. We left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. And here we have said, we will also look at the past. We'll also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be. Jo MCC violations kis prakar ki ho sakti hain? I mean, statements which should inspire rather than divide. Issue-based campaign ho, hate speeches, religious speeches, private life ka criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. Isme humne editors ko bhi advisory issue ki hai. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑल्सो इन बिल्ट. सो नोटिस इज देयर, नॉलेज इज देयर, सेक्शंस आर देयर. सो प्लीज, आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. Aur ek baar jab ladai jhagda hota hai na to prem ka dhaga toot jata hai. Aur jab prem ka dhaga toot gaya to badi mushkil hoti hai. Rahim ne kaha tha, rahiman dhaga prem ka mat todo chitkaye, toote se phir na mile, mile gaant pad jaye.
तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को हमने कदम उठाए हैं। ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस। क्या किया है, अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज़ कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट दी जेन्यून पर्सन। सो दैट इज़ वॉट इट हैज़ बीन डन। सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा, डायरेक्शंस दे दिए, इट हैज स्टार्टेड कमिंग। तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। प्लम्पटिंग लेवल आई हैव ऑलरेडी सेड, वी हैव ऑल्सो आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द डिस्कोर्स, नॉट टू यूज द अब्यूसिव वर्ड्स, ऑल्सो टू नॉट यूज चिल्ड्रन एट ऑल ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए, will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2100 observers. Jitni cheeze maine aapko batayi ye sab cheez ko field officers to karenge hi karenge, हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो, ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है। दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स, एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स। नाउ हैविंग डन ऑल दिस, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो वॉट आर वी एक्सपेक्टिंग, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे? So let me show you this, what is our effort, what is our endeavor. As a last slide, let me tell you, there are reduced repolls, that is what we are endeavoring, zero violence, that's what we are endeavoring, no inducements, jis pe kaare ho, fake news curb ki jaye, campaigning clutter aur badmijazi kam ho aur logo ka participation badhe, jo 67% participation tha wo badhke अधिक से अधिक पहुंचे। विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू। बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है, इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, वील बी रूथलेस। एंड लास्टली माई अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, we are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. Rajnitik dalon ko bahut personal attacks se bachna chahiye. Fir mujhe Badar sahab ka ek sher yaad aata hai, dushmani dushmani jamkar karo
लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो पार्टीज़ कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years. यू आर आर नेचुरल एलाइज, यू आर आईज एंड ईयर्स. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं, आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज़ वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज़ इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग, एंड आई होप आई डिडंट डिले इट, आई हैव नॉट बोर्ड यू बाई वॉट आई सेड. सो नाउ विल बी अनाउंसिंग शेड्यूल इन 3 phases. फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस, देर आर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू. बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू दी असेंबली इलेक्शंस. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 June को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 June विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11 June 2024 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दीज आर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट. दे विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली. दे विल ऑल्सो बी हेल्ड इन द सेम फेज वेयर द पार्लियामेंट इलेक्शंस विल बी हेल्ड. तो नाउ व्हेन आई टेल यू द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देन आई विल टेल यू. बट इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन वुड बी 18 April 2024 और डेट ऑफ पोल वुड बी 13 May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 April 2024 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 May 2024 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13 May. फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26 अप्रैल एंड 20 May.
Then, sixth phase and seventh phase also, Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक festival है, तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ द सम हॉलीडे द डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन. फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट.
और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th of April एंड फिनिशिंग ऑन 25th of May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th of May एंड पोलिंग ऑन 1st of June। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st of June एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दिस इज हाउ द मैप विल लुक। येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन। वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन and finish northeast, move up from the south and finish the western area। तो इसमें weather और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये schedule बनाया गया है। With this, जो single phase, single poll date है वो 22 state में होगी। दो राज्य चार बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तीन फेज में दो जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। चार फेज में तीन जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। फाइव फेज में दो जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी। और सात फेज में तीन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर दोज डिटेल रिमार्क्स। Please, please hold on, hold on, hold on. So the you hold, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे। तो we will start with you in the first row. Where are the माइकर्स? आप आइए, इनको दे दीजिए। जो या सी सी सर विल टेक 4-5 questions at one time, so after that we'll take the next person. सर, मैं मोहित दुबे हूँ, न्यूज नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए। जो हाँ, ये जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शुरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई, कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए। हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Samir Hussein from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition,
what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the fourth row over there with that black dress, unko de dijiye. Micers. Middle mein. Haan, unko, jo beech mein hai. Wo lady jo hai. Haan. Give it to her. Yes. Switch on your mic. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to MCA code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, Hello. So won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ye tha ki seven phase mein election kyun? Aur opposition parties ka ye aarop hai ki seven phase mein hone se level playing field disturb hoti hai, kisi ko fayda hota hai. एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नज़र डाल के देखिए. नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए. दे विल बी मूविंग लाइक विद इन 3 to 4 days बिटवीन द गैप इन द फेजेस. दे विल वॉक लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा. कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में हैं. जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है. दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है. हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते. किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है. हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं. जहाँ की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है. किसी राज्य में एक में भी है, किसी राज्य में सात में भी है. जिन राज्यों में सात में है वहाँ का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज़्यादा हैं, इसलिए वो सात में है. माई फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु इज आस्ट, वहाँ एक में है लेकिन वहाँ दूसरा चैलेंज है जिसके लिए वॉट ही हैज टॉक्ड अबाउट. There is a challenge of money power in that particular state, and as I mentioned, we are extremely careful of what he has asked. If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll, on the expenditure side, take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो. और देश में एक ऐसा
अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूँ। वैसे बहुत बार बता चुका हूँ, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है, कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पटिशन खत्म किए। कितनी बार सुनेंगे, क्यों बार बार वही बिलाप करना है, कोई चीज़ें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है, वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गया। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या, क्या निकला किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं, अच्छा जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे, 100+ क्वेश्चन हैं। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. Sab EVMs ka 3-3 bar mock poll hota hai. Candidates ke saamne mein hota hai. Phir bhi agar kuch aap kitab laaye hain, kisi ke paas hai kya? Ek humne kitab bhi manai hai, ek जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम, इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे, इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था, ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now, in last 2 years, again, we have done large number of improvements. Ek EVM ki number
जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वॉयलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस सो एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। नेक्स्ट सर, वील टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड, या द मिडिल रो, दैट इज जेंटलमैन होल्डिंग बोथ हिज हैंड्स अप, उनको दे दीजिए। बोलिए थोड़ा जल्दी दें। यस सर, माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें, थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है, वो हाथ जी रहे हैं। जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती हैं तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था, तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। सुनील प्रभु फ्रॉम NDTV, two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goyal because he hasn't only cited personal reasons, in the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goyal, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go over there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है, ये एक तो जानकारी, और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज़्यादा एक्शन लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं, दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजह हैं? My name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the U.S., which publishes on its website
the amount of money raised by presidential candidates, like say, it has just come out only yesterday, Biden has raised about $106 million, Trump has raised $88 million, Nikki Haley has raised about $48 million, and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now, let me answer these questions first. Very critical, very important questions, what are in everybody's discussion during this time. And it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that you will be, anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड the questions on totalizer. I entirely agree with you that booth wise result malum hone se kis booth par kisne kisko kitna vote diya ye janne se is not a best possible situation in the country. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहाँ तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers, remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. Ek samay hota hai har idea ka. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team. And I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space. And I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose. We also have another principle, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the election, the commission room, which we call, it's a round room. Because it's such a complicated exercise in the world, three minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And hamesha ek usme kahavat hai na, fir mujhe yaad aa gaya waise hi. निंदक न्यारे राखिए, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है,
वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहाँ गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया, तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व्स थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएनके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थीं एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, राइट. 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया, उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया. तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स, क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई. ये नया फीचर क्रिएट हो गया और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई जिसमें से एक वुमेन की थी, और उसके बाद एक सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी. और ये सारे इसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस. व्हेन डिड दैट हैपन, दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है, दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का. असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ कराइए, वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं. सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते. हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 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 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे. सो 90 × 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और जेएनके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है. 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी. वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे. लास्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड चुनावी चंदा, और जो somebody asked फ्रॉम दिस साइड as टू हाउ द डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज as टू हाउ मच दे कलेक्टेड. सो एज regards इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, Commission has always been in favor of transparency right from the stage when we submitted our stand in the Honorable Supreme Court. Again, in a democracy, there is no scope for hiding things. Democracy is all about making everybody know, aware, transparency, information. It must be shared. We are all for it. So this is the first part of the entire exercise. It must be known. The
country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. We have made it compulsory for all political parties to make the contributions they are receiving, the answer to this side as to the declarations are made on the donations. Every political party is supposed to, is required to, under the guidelines, to make declaration to us on the contributions they receive. Also in the annual accounts, how much they have collected, how much they have spent. Also, after every election, they are supposed to give us an account of what they spent in that particular election. Supposing assembly election has taken place, we have contested, we have spent so much. And we publish it on the website of the commission for everybody to know what is happening. And this we have now made digital. But the unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it, but how do we also control the donations in the unaccounted form, is something which the entire nation has to work together. How the donor's privacy is also protected, he is not harassed, how it is channelized, how it is more and more white. In the digital age, there must be almost no scope. It must be a very, very less cash economy. I am speaking from my old finance days, but it must be very, very less cash economy, and therefore one has to think of it, and I am sure some better system will evolve where it becomes like that. Yes. So should we take another round? Yes, sir. Last round. Last round of questions. The lady at the back. Yeah. Good evening, sir. This is Ritika from the Indian Express. You're not audible. Yeah. Sorry. Good evening, sir. This is Ritika Chopra from the Indian Express. I have a question regarding Manipur. There's been this huge displacement of people on account of the ethnic strife. There are people who've been displaced living in relief camps and haven't come back home. What steps are the commission is the commission taking to ensure that people actually turn out to vote in their respective constituencies? And secondly, sir, as far as the disclosure of data with regard to electoral bonds is concerned, was the commission expecting SBI to also share data pertaining to the unique bond number? Because what you got was just date of purchase, name and amount, and party name, date of redemption and amount. Can you introduce yourself? This is Ritika Chopra from the Indian Express. Thank you. Okay. The gentleman in that orange shirt there. Yeah, please. My question, Mohan Sharma, Bharat Express. Se mere do sawal hain jis muhim mein aap lage hue hain ki voting percentage badhe. So kindly stick to one question. We don't have time. Simple question. एक क्वेश्चन सर कि क्या वो समय आएगा हमारे देश में कि 12वीं का बच्चा जब पास हो तो उसको साथ साथ वोटर आई कार्ड मिल जाएगा और दूसरा सवाल एक ये है कि क्या हमारे देश में मैंडेटरी वोटिंग हो पाएगी कभी द लेडी इन द लाइट ब्लू शर्ट लास्ट रो Sir, this side Harsha from Republic TV. I have two questions. First one, opposition parties have accused Election Commission of being biased when it comes to action against hate speeches. While you have said that adequate measures have been taken, but how is it different from the last time? And so second question is precisely about two states, West Bengal and Manipur. Both these states have witnessed immense violence, sir, last year. One during Panchayat election and other one with ethnic clashes. How Election Commission is ensuring safe and peaceful election in the booths this time? Okay, the gentleman in the front. Idhar hai ji. Inko. Here, I'm George Kalivaril from Deepika Malayalam Daily. Mine is a half question and a request also. No, there are. Why can't you think of giving? Giving a ballot vote. Voting for journalists who work in other. For vote reporting. Like me, I lost at least 5 parliament elections because I was covering the elections in the north. My vote is in Kerala.
The gentleman in the orange shirt, that's the last question. Last. Piche. Last but one row mein hai. That's the last question. Coming. Yes. संजय शर्मा आज तक से हूँ मैं. मेरा एक सवाल तो ये है कि निर्वाचन आयोग ने बहुत मार्मिक और बहुत व्यावहारिक अपील की है राजनेताओं से कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें. तो इसकी कितनी अपील का असर लग रहा है कि वो कर पाएंगे? और दूसरा ये कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में अगली स्कीम किस तरह से इसको और पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्या आयोग के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है क्या? Yes. Thank you, sir. उनका भी एक ले लीजिए उनका भी, उनको दे दीजिए. गिव इट टू लीजिए. यू आर बायस्ड, यू कांट डू दैट. लीजिए. आई एम प्रोफेसर डीएस अग्रवाल एंड आई एम ए नॉमिनी ऑफ राष्ट्रपति 2012. उस समय मैंने प्रणब मुखर्जी का नॉमिनेशन कैंसिल कराया था. तब ये प्रॉमिस किया था, सवाल है. तब ये प्रॉमिस किया था कि MPs की जगह वोटर प्रपोजर होंगे. आपने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया. दूसरी बात यह है कि आप जो DM होता है, मैं बनारसी चुनाव लड़ा, उसने 3 बार मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया बायस्ड, लेकिन मैंने 4th बार पास कराया. तो DM को आप इतनी पावर देंगे कि किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल कर देगा बैलेट को? या आप अमेंडमेंट करिए और इसमें अमेंडमेंट करिए. और ये जो खड़े होते हैं ऐसे लोग खड़ा मत होने दीजिए कि बायस करते हैं. ऐसे आप नहीं बोल सकते. नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते. ये इस तरीके की चीज आप यहाँ नहीं बोल सकते. अच्छा, ठीक है. Now let me take these questions. बारहवीं क्लास के बच्चे के बारे में आपने पूछा एक प्रश्न. बारहवीं क्लास के बच्चे को जैसे ही उसकी एज पूरी हो उसको वोटर कार्ड मिल जाए, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं एडवांस एप्लीकेशन लेके. ऐसा जरूर होना चाहिए. अबाउट मणिपुर, question was asked about Manipur, what we will do. There are persons who are displaced, who are in the camps. We have drawn a scheme which we have notified. That scheme is notified to allow the voters in the camp to vote from the camp. Jaise migrants ke liye J&K में वो स्कीम है, ऐसे ही यहाँ पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है. एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रिस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर. बट माय अपील टू द वोटर्स इज दैट लेट अस डिसाइड थ्रो द बैलेट पीसफुली बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शंस. विल मेक द अरेंजमेंट्स. So, पोस्टल बैलेट तो अवेलेबल है प्रेस को, हम इशू कर सकते हैं, ये हम उपलब्ध कराएंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई वुड लाइक टू थैंक ईसी एडमिनिस्ट्रेशन, PIB, प्रोटोकॉल एंड विज्ञान भवन टीम फॉर द एक्सेलेंट अरेंजमेंट्स. थैंक यू सर.